हाय दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे प्रभास की आने वाली मूवी आदि पुरुष का मोशन पोस्टर आ चुका है, जिसके ऊपर काफी लोगों ने कल वीडियोस ऑलरेडी बना चुके हैं। लेकिन उस वक्त मैं ऑफिस में था, तो इस वजह से मेरे पास टाइम नहीं था। लेकिन फाइनली आज मेरे पास टाइम है और हम लोग बात करेंगे इस मोशन पोस्टर की। लेकिन उससे पहले मैं बात करूंगा दो ऐसे यूट्यूबर्स की जिनका मुझे थंबनेल देखकर उस वक्त बहुत ज्यादा हंसी आ रही थी। सबसे पहली है दीदी, जिनके हमेशा थंबनेल में आपको हॉलीवुड का बाप, बाहुबली का बाप। अब एक दिन ऐसा भी आएगा जब ये वहां पर खुद एडमिट करेगी कि ये है मेरा असली बाप, और ये जब आएगा तो उस दिन आप लोग शॉक मत होना। फिर उसके अलावा एक दूसरा यूट्यूबर है जिसके थंबनेल में ऐसा पोस्ट था, तो वो थंबनेल देखकर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि अगर ये थोड़ा और जोर लगाता तो वहीं पर हक देता और आपको थंबनेल में वो भी नजर आ जाता। लेकिन यार ये सब तो सिर्फ एक मजाक किया है। मैं एक सच बात बोलूं तो मैं भी इस तरीके की फनी थंबनेल्स बनाता हूँ जो कि मुझे खुद ही हंसी आती है उस पर। लेकिन अब बात करेंगे मेन टॉपिक की, जिसके लिए आप इस वीडियो को ऑन किए हो, यानी आदि पुरुष के इस मोशन पोस्टर के बारे में। तो यार सबसे पहले मैं थैंक यू बोलूंगा वो क्रिएटिव बंदे की जिसने इस पोस्टर को बनाया है। सच बता रहा हूँ, काफी सालों बाद एक ऐसा शानदार पोस्टर देखने को मिला जो मतलब एक अलग वाइब्स लेकर आ रहा है। उसके अलावा इसमें हमें नजर आने वाले प्रभास, बाहुबली के बाद जो लोग उनको नहीं भी जानते थे वो लोग भी उनको जानने लगे। इवन इंटरनेशनली वो इतने ज्यादा फेमस हो चुके हैं कि लोग उनको बाहुबली के नाम से जानते हैं। अब वो हमें इस मूवी में नजर आने वाले, साथ साथ इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे ओम राउत जी। इस डायरेक्टर की लास्ट मूवी थी तानाजी, जो कि आपको पता है कि एक ब्लॉकबस्टर मूवी थी, और उसमें अजय देवगन और सैफ अली खान को जिस तरीके से उन्होंने पर्दे पर उतारा था, उसके अलावा जो उन्होंने हिस्टोरिकल कहानी बताई थी और जितने बिलीवेबल वे में उन्होंने पूरी मूवी को डायरेक्ट किया था ना, वो आप आज भी देखोगे तो आपको गूज़बम्स आ जाएंगे। खैर, अब इन दोनों महारथी मिलकर एक ऐसी फिल्म बना रहे जो ऐसा लगता है पोस्टर देखे, क्योंकि अगर आपने पोस्टर को गौर से देखा होगा तो यहाँ पर भगवान राम, हनुमान जी और रावण नजर आते हैं। तो इस हिसाब से हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि ये मूवी इंस्पायर हो सकती है रामायण से। लेकिन अभी ये क्लियरली किसी ने भी बताया नहीं, ना ही इनके मेकर्स ने बताया, लेकिन ऐसा हो सकता है। और अगर ऐसा पॉसिबल हुआ तो ये मूवी इंडिया की हिस्ट्री में अब तक की सबसे ज्यादा कमाने वाली मूवी बन सकती है, जो कि ऐसा हुआ तो। क्योंकि रामायण, मैं आपको बता दूं एक फैक्ट रामायण के ऊपर, कि बचपन में रामायण हो या महाभारत हो, हम लोग जैसे ही आता था ना वैसे ही बैठ के देखते थे। और मैं खुश इस बात को कि यार अगर वो लोग ने रामायण से इंस्पायर होकर इस फिल्म को बनाया ना, तो डेफिनेटली वो फिल्म मैं फर्स्ट डे फर्स्ट हो जाके देखूं, क्योंकि आप सोच भी नहीं सकते उतनी जबरदस्त ये मूवी बन सकती है। और शायद ओम राउत ये कर सकते क्योंकि वो एक मराठी डायरेक्टर है। और मैं आपको बता दूं कि बॉलीवुड की ये बुरी किस्मत समझो कि एक मराठी डायरेक्टर, अगर आप इंडिया में रहते तो आप मराठी फिल्में इतनी नहीं देखते होंगे, लेकिन क्यों नहीं देखते, क्योंकि यहाँ पर मराठी फिल्म को कोई इतनी इंपॉर्टेंस देता नहीं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि शायद मराठी फिल्मों में इतने ज्यादा टैलेंटेड लोग नहीं है जो अच्छी मूवीज बना सकते। लेकिन यहाँ पर एक शॉकिंग बात यह कि भाई एक मराठी डायरेक्टर है और ये डायरेक्ट कर रहा है साउथ एक्टर को, यानी कि बॉलीवुड वालों को उसने नहीं चूज किया, उल्टा उसने साउथ वाले को चूज किया। लेकिन इसके ऊपर भी एक बड़ी बात है, वो ये है कि भाई ये जो पर्टिकुलर रोल है ना, इसमें फिलहाल प्रभास के अलावा और मेरे हिसाब से कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि रामायण जैसी मूवी बना रहे हो और आपको एक ऐसा किरदार चाहिए जो अपने आप में एक अलग पर्सनैलिटी का हो, जो इस तरीके के रोल में एकदम सूट बैठता हो, तो वो एक प्रभास है। उसके अलावा अगर बॉलीवुड में से आज की तारीख में कोई तीन एक्टर्स मेरे हिसाब से होते जो इस तरीके के पर्टिकुलर रोल कर सकते थे, तो सबसे पहला ऋतिक रोशन है, दूसरा अजय देवगन है और तीसरा रणवीर सिंह। फिलहाल उन तीनों के अलावा यहाँ पर बॉलीवुड में कोई भी ऐसा एक्टर नहीं जो इस तरीके के माइथोलॉजी पर बनाई मूवीज में अगर उन किरदार को यहाँ पर बताना हो तो सूटेबल हो प्रभास के अलावा। तो मेरे हिसाब से तो यार मैं जो भी कहना चाह रहा था वो आप आई थिंक समझ चुके होंगे। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि अगर आप लोग इस मूवी में इसके अलावा और भी दूसरे एक्टर्स देखना चाह रहे हो, जो कि एक रूमर्स है कि शायद ऋतिक रोशन या अजय देवगन इन दोनों में से कोई एक हो सकता है विलेन के रोल में, तो आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आप लोग इन बॉलीवुड एक्टर्स में से कौन से एक्टर्स चाहोगे, या तो फिर इसमें एक और साउथ वाला कोई बड़ा एक्टर या कोई भी एक्टर होना चाहिए, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और एक चीज कि प्रभास की एक और साइफाई मूवी है महानती, वो भी रिलीज होने वाली है, तो उसके लिए आप कितना ज्यादा एक्साइटेड हो, और बहुत सारी बातें जो भी आपको समझ में आता है आप कमेंट सेक्शन में करो, ताकि मैं आप लोगों से बात कर सकूं। और मूवी जब आएगी जब देख लेना यार, उससे पहले हम लोग मूवी से रिलेटेड काफी कुछ बातें करते रहेंगे जब जब इसकी कुछ अपडेट आएगी। तो उसके अलावा एक नेक्स्ट वीडियो शाम को जरूर आएगी, तो उसको भी चेकआउट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दिल से।